हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओ दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप पीजीआई जी आई स्टोर कीपर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है सो so, एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर नेट पर अवेलेबल हैं वो पी के तो नहीं है बट किसी के भी हैं तो बट वहाँ पर ट्रेड के साथ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो इस टाइम में क्या है कि अभी ट्रेड के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रॉबिबिलिटी है तो मैंने एक पूरी सीरीज तैयार की है जिसमें आपको ट्रेड के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन भी मिलेंगे बाकी टॉपिक्स के ऊपर सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो समिट्स होती हैं जो सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछने पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबिबिलिटी है इसमें तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही अगर आप पूरी सीरीज पर परचेज करना चाहते हैं तो नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर संपर्क कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन हमारा है इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज ओके आई पी एम एच ई ऑन सेवनथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज को होस्टेड बाय ओके सात मार्च दो हज़ार बाईस को जो इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ है वो इसको किसने को होस्ट किया है ऑप्शन वन है हमारे पास यूएस इंडो पैसिफिक कमांड सेकंड ऑप्शन है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेस थर्ड ऑप्शन है ओनली ए फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी सो इसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन ए एंड बी ठीक है डी आंसर आएगा मतलब बोथ ए एंड बी सेकेंड क्वेश्चन है रुड़की वाटर कनक्लेव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज फोकस्ड ऑन ऑप्शन है इसमें वाटर स्कार फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर वाटर टेबल मेंटेनेंस एंड ऑल दी अबव तो जो रुड़की वाटर कंक्लेव हुआ है ये आईआईटी रुड़की में हुआ है ओके okay, 2022 में तो इसका जो मेन फोकस है वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल का मतलब जो चीज कंटिन्यू चलती रहे निरंतर अब बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री की क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है सी ए क्यू एम स्टैंड ऑप्शन है क्लीन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर कन्वेंशन ऑन एयर क्वालिटी मेंटेनेंस तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर चार त्नम कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय ऑप्शन वन है आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेकेंड ऑप्शन है जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके थर्ड फोर्थ ऑप्शन मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप नहीं किए तो राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच थीम ऑफ ओशियन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉन्फ्रेंस वॉर्स दो हजार बाईस में जो ओशियन दो हजार बाईस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका थीम क्या था ऑप्शन सेव वाटर सेव लाइफ इंस्पायर इनोवेट इनिशिएट इंस्पायर इनोवेट सस्टेन सस्ट सेव वाटर सेव यूनिवर्स तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन ठीक है इंस्पायर होता है दूसरों को मोटिवेट करना इनोवेट होता है कुछ नया पल लेके आना ताकि हम जो है वाटर को सेव कर सके सस्टेन होता है कॉन्टिन्यूस चलते रहने वाली चीज़ ठीक है तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर सिक्स एन आई ओ टी स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी नेशनल इनोवेटिव ऑपरेशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओबेसिटी ट्रीटमेंट तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर सेवन ओशियन 2022 थाउजेंड कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन कहाँ पे हुई ऑप्शन वन बेलारूस सेकेंड ऑप्शन आईआईटी मद्रास इंडिया थर्ड ऑप्शन बेल्जियम फोर्थ ऑप्शन जर्मनी तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास इंडिया ओके तो जो ओशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉन्फ्रेंस है पहली बार हुई इंडिया में तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स की एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग 2021 में कहाँ हुई है ऑप्शन है रशिया इंडिया चाइना ब्राजील तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन इंडिया क्वेश्चन नंबर नाइन इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम आई ई वाज़ वॉज होस्टेड बाई किसने इसको होस्ट किया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो राइट right आंसर आएगा ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर टेन विच एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैज बीन ऑर्गेनाइज इन डेली ऑन इलेवंथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ये डेट भी पूछी जा सकती है मोल्ड करके क्वेश्चन को ठीक है तो ये कौन सा एडिशन था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आएगी थर्ड राइट आंसर सी थर्ड एडिशन इट वॉज़ हेल्ड इन एलेवंथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन डेली ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टोरकीपर एग्जाम के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो पूरी पी डी एफ सीरीज़ परचेज करने के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पर सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग